गाइस, मैं आपकी होस्ट नूपुर एंड वेलकम टू माय चैनल इन ब्लॉग नूपुर। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं अपने शहर शाहजहांपुर के कुटके साहब गुरुद्वारा, जहां पर जो है आज संत सुखदेव जी का जो है जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो चलिए अभी आपको हम पूरा दिखाते हैं ब्लॉग। और जैसे कि आज यहाँ बाहर देख कितनी अच्छी सजावट कर रखी है और बाहर दुकानें वगैरह भी लगी हुई हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं कुटिया साहब के मेन द्वार पे। तो अभी यहाँ पे जैसे देखिए बाहर इस मेन द्वार पे जो कितनी सुंदर सजावट कर रखी है, और वहाँ पे हैप्पी बर्थडे भी लिखा गया है। और यहाँ पर जैसे देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अभी हम कुटिया साहब गुरुद्वारे के अंदर आ चुके हैं, और आपको बता दें यहाँ पर जो है संत सुखदेव सिंह जी का जो है 100वां जन्मदिन जो है वो यहाँ पे मनाया जा रहा है। और ये पूरा समागम जो है 4 दिवसीय का है, 15 से 18 तारीख तक का, जिसके उपलक्ष्य में आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आए हैं उनके दर्शन करने के लिए, ठीक है, उनका आशीर्वाद लेने के लिए, जैसे कि अभी आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे लंगर भी चल रहा है और लोग यहाँ पे सेल्फी वगैरह फोटो वगैरह भी ले रहे हैं। चलिए चलते अंदर। तो फ्रेंड्स, चलिए अभी आपको लेकर चलते हैं दीवाने हॉल में, जहाँ पूरी संगत चल रही है। और वैसे हम कुटिया साहब का ब्लॉग आपको ऑलरेडी पहले भी दे चुके हैं। यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे सामने एलईडी स्क्रीन लगी हुई है, और यहाँ पे उसके ठीक सामने यहाँ पे जो सुंदर रंगोली बनाई गई है फूलों की, तो चलिए फिर संगत चलते हैं, आपको मेन हॉल में लेके चलते हैं। Yeah।
प्रसाद भी लोगों को दिया जा रहा है। जितने भी दिए श्रद्धालु लोग आ रहे हैं उनको यहाँ पे कड़ा प्रसाद बांटा जा रहा है। और वहाँ पे जो है बच्चों के लिए टॉफी लड्डू वगैरह भी हैं, जैसे कि देख पा रहे हैं आप। फ्रेंड्स आपको बता दें कि यहाँ पर जो एक नया हॉल बनाया गया है, जहाँ पर जो है संत सुखदेव सिंह जी की जो है उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं और उनसे जुड़े हुए यहाँ पे जो उनके सामान है वो रखा हुआ है इस नए हॉल में। चलिए आपको अंदर से दिखाते हैं। फ्रेंड्स आपको बता दें कि यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं हॉल में प्रवेश करने से पहले सबसे पहले संत सुखदेव सिंह जी की उनका पूरा जीवन परिचय जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है और वो हिंदी और गुरुमुखी दोनों ही भाषाओं में यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि अभी आप पढ़ पा रहे हैं।